हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गेमर्स फन। गाइस, आज मैं हेज पीस गेम के रूट्स आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाली है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों को सैंड फ्रूट दिखाऊंगा, जो कि मैंने ऑलरेडी कंज्यूम किया हुआ है। सैंड फ्लाई करके दिखाते हैं आप। ये फ्रूट काफी बेटर है, आप इससे आसानी से फ्लाई कर सकते हैं। आपकी स्टेमिना जितनी होगी आप उतनी देर तक फ्लाई कर सकते हैं। इसका अटैक भी काफी अच्छा है। नेक्स्ट फ्रूट की तरफ चलते हैं। गाइस, मेरी इन्वेंट्री में ऑलरेडी 3 फ्रूट्स अवेलेबल हैं, तो सबसे पहले मैं इनको कंज्यूम करके आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। मैंने जिस फ्रूट को अभी अभी कंज्यूम किया है उसका नेम स्पाइक है, तो इसकी एबिलिटी देखिए, काफी डेंजर लुकिंग है। लेकिन इसकी जो फाइट स्टाइल है ओनली 3 कैटेगरी की है। नेक्स्ट फ्रूट की तरफ चलते हैं। अगला फ्रूट है हमारा बैरियर फ्रूट, इसको कंज्यूम करते हैं। आज ये तो ड्रैगन की बहुत दिनों से तलाश थी, आज दिखाई दिया है। इस फ्रूट को कंज्यूम कर लेते हैं। इस फ्रूट का नाम बैरियर है। इसकी एबिलिटी भी लगभग लास्ट फ्रूट की तरह ही है। 3 टैग की एबिलिटीज हैं। अब नेक्स्ट फ्रूट कंज्यूम करते हैं। ये फ्रूट है हमारा चॉप फ्रूट। अभी तक मैंने जो भी फ्रूट कंज्यूम किया है वे सभी कॉमन फ्रूट हैं। इन तीनों में लगभग सेम कैपेसिटी, बट इसमें एक अलग चीज ये है कि आप कार की तरह मूव कर सकते हैं, बाकी कोई खास बात नहीं है।
अब हमें फ्रूट परचेज करना है, उसके बाद आप लोगों को दिखाना है फ्रूट की एबिलिटी। यहाँ से आप रोबोक्स से या फिर गेम कैश से परचेज कर सकते हैं या किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। गाइस, जो भी करेंट फ्रूट है ऊपर आप लोगों को शो कर रहा होगा, इस फ्रूट का नाम क्लियर है। इसमें केवल एक एबिलिटी आपको मिलेगी, इनविजिबल एबिलिटी। इनविजिबल हो सकते हैं, अब इनविजिबल होने पर क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है, तो हमें देख पाया और हमें मार भी रहा है, शायद दूसरे प्लेयर्स को हम दिखाई नहीं देंगे। अब नेक्स्ट फ्रूट परचेज करते हैं। ये है हमारा पॉम्ब फ्रूट। इसमें 4 एबिलिटीज दी गई हैं, लास्ट 4 फ्रूट से ये काफी बेटर है। आप लोग देख सकते हैं ये थोड़ा एरिया कवर कर रहा है। ये भाई साहब तो नाराज हुए, उनको भी रास्ते से हटाना होगा। चलते हैं नेक्स्ट फ्रूट की तरफ। तो कंज्यूम कर लेते हैं और देखते हैं इसकी क्या एबिलिटी है। इसमें भी एक ही एबिलिटी है, स्पिन फ्लाई। हम इसकी मदद से काफी दूर तक फ्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रूट है स्ट्रिंग फ्रूट, जो कि काफ़ी कॉस्टली है। मेरे पास गेम कैश की कमी है, यहाँ पर हमें स्पिन करते हैं। इस फ्रूट में 5 तरह की एबिलिटी है। ये फ्रूट अच्छा है, इसे आप स्पाइडरमैन की तरह आसानी से हवा में झूल सकते हैं।
एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। वाओ, इट्स लुकिंग वेरी नाइस। एक बहुत कलरफुल मॉल दे रहा है। ये फ्रूट काफी अच्छा है, इसे आप यूज कर सकते हैं, इसे आप पकड़ के किसी को पटक सकते हैं। वाह, नेक्स्ट फ्रूट हमारा बुद्धा फ्रूट है। लेकिन इस फ्रूट को मैं अभी एक्सप्लोर करूंगा, इन फ्रूट्स को मैं लास्ट में यूज करूंगा क्योंकि गेम में मेरे साथ लॉन्ग समय तक अवेलेबल हो सकते हैं। इसे वही फ्रूट मिला, मुझे तो दोबारा स्पिन करना होगा। इन न्यू फ्रूट है, अब इसको कंज्यूम करके इसकी एबिलिटी देखते हैं। गाइस, ये स्मोक फ्रूट है, इसमें भी 4 एबिलिटी है, आप स्मोक अटैक कर सकते हैं। मेरा निशाना शायद चुप जा रहा है, अब सही है। आप स्मोक फ्लाई भी कर सकते हैं। ये फ्रूट सैंड प्रूफ से काफी कुछ मिलता जुलता है। गाइस, इस फ्रूट का नाम ग्रेविटी है जो कि काफ़ी अच्छा फ्रूट है। इसमें भी 5 एबिलिटी है। आप लोग देख सकते हो, इसे आप फ्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रूट ओपन करते हैं। सॉरी गाइस, मैं आपकी दुकान उड़ाना नहीं चाहता हूँ। वाओ, नेक्स्ट फ्रूट हमें मोमोथ मिला है। अब मेरे पास 2 बेस्ट फ्रूट हैं जिसको मैं बाद में कंज्यूम करूंगा। एक और स्पिन करते हैं।
स्विच ऑफ। फिर से स्पिन करते हैं। अगेन स्पिन। बार बार वही फ्रूट मिल रहा है। इस तरह से मेरे 10 और डायमंड्स सभी खत्म हो चुके हैं। अब मैं आप लोगों को अपनी इन्वेंट्री से फ्रूट कंज्यूम करके दिखाता हूँ। तो फर्स्ट ये हमारा बुद्धा फ्रूट, ये काफ़ी अच्छा फ्रूट है। इसमें 4 एबिलिटी दी गई है। आप लोग देख सकते हैं एक बार में सभी इनिमीज किल हो जा रहे हैं। एक्स से पिलर अटैक हो रहा है। चेयर से स्मैश। नेक्स्ट फ्रूट कंज्यूम करते हैं जिसका नाम है ममोथ। इस फ्रूट में सींग निकली हुई है। ट्रांसफॉर्म करते हैं। वाव, अब मैं एक ममोथ हूँ जो कि आप लोगों के लिए ठीक नहीं होगा। गाइस जस्ट जोकिंग। इसमें 4 एबिलिटी दी गई है। काफी लोकप्रिय फ्रूट है, आप लोग इसे यूज करें, गेम में काफी मजा आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please like the video and subscribe the channel. Have a great day.